हेलो दोस्तों, वेलकम टू टिप टूज एंड मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, कैसे जो है आप अपने चैनल का वॉच टाइम देख सकते हैं, कैसे आप अपने चैनल के पूरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं और भी बहुत सारी डिटेल, कैसे जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके वीडियोज पे कितने व्यू थे, कैसा ट्रैफिक चैनल पे ट्रैफिक आता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप जाइए youtube.com पे और वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन आप उसी जीमेल से करिए जिसके थ्रू आपने अपना YouTube का चैनल क्रिएट किया हुआ है। तो थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा, उतना स्लो नहीं बताऊंगा और ज़्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे। आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं बाद में। तो चलिए इसको देखते हैं। आप यहाँ पे राइट टॉप साइड में अपने YouTube का चैनल का जो लोगो है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे YouTube स्टूडियो पे क्लिक करिए। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक डैशबोर्ड पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे आपके चैनल के जो राइट्स कि आपके टोटल कितने सब्सक्राइबर हैं वो दिखाए जाएंगे, वॉच टाइम आपका 28 डेज का कितना था वो दिखाया जाएगा। और डैशबोर्ड से बाद आप देखिए राइट साइड में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वीडियो पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारे वीडियो जितने भी आपने अपलोड किए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखा दिए जाएंगे और उन वीडियो की कुछ डिटेल भी दिखाएंगे कि विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या किया हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे कि अब देखिए कि अगर यहाँ इस वीडियो में आप देखेंगे तो कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है। हो सकता है ये किसी म्यूज़िक के थ्रू हो, हालांकि इस वीडियो में मैंने एक म्यूज़िक ऐड किया हुआ था उसकी वजह से इसमें कॉपीराइट आ गया था। तो अब ये कॉपीराइट क्लेम है तो इस पर मैंने जब देखा तो ये कुछ ऐसा क्लेम नहीं था, इसमें ऑप्शन अलग अलग होते हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट है कि कौन से डेट में आपने कौन सा वीडियो पब्लिश किया था, व्यूज़ कितने हैं आपके वीडियोस पे अभी टोटल ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, कमेंट्स कितने हैं वो भी दिखा रहा है, आगे लाइक डिसलाइक की रेशियो क्या है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो के एनालिटिक्स चेक करने हैं तो आप उस पर यहाँ से एनालिटिक्स तो नहीं लेकिन आप उस वीडियो को एडिट ज़रूर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप यहां से चेंज कर सकते हैं और यहां पे वीडियो के थंबनेल आप सेट कर सकते हैं। कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आप यहां पे ही दोबारा से क्लिक कर दीजिए और नीचे आपके टैग हैं जो कि आपके SEO पर्पस के लिए काम आते हैं कि YouTube पे आपका वीडियो कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी चीज़ें जो आपकी यहाँ से निर्भर करती हैं कि आप किस तरह के टैग यूज़ कर रहे हैं। और जो बहुत सारे ये अलग अलग आप अलग तरह के ऑप्शन देख रहे हैं, ये मैंने एक अलग तरह का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ अभी क्रोम का, BidIQ के थ्रू ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एनालिटिक्स में जाएंगे अगर आप तो ये पर्टिकुलर इस वीडियो का एनालिटिक्स दिखा देगा, इसका ओवरव्यू, रीच, ऑडियंस और रेवेन्यू वगैरह सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं आप कि एक सिंगल वीडियो का ये रियल टाइम एक्टिविटी कि आपका वीडियो जो है वो पिछले 48 घंटे में आपके वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना था और उसका सर्च कैसे था, YouTube का सर्च था डायरेक्ट या एक्सटर्नल था या सुजेस्टेड वीडियो में आपका वीडियो आया है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको एडिटर में जाएंगे तो आप इसी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक चेंज करना है तो आप यहाँ से ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लर वगैरह करना है कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं बाद में, अभी मैं इस फीचर्स में नहीं जा रहा हूँ। तो फिर से चलते हैं स्टूडियो में, बाहर आ जाता हूँ मेन पेज पे और एनालिटिक्स में चलते हैं अब। तो एनालिटिक्स वैसे ही काम करता है जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये दिखाया कि आप एक वीडियो पे कैसे आप उसके एनालिटिक्स चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल पूरे चैनल का एनालिटिक्स दिखाया जाता है, यहाँ पे आपके टॉप वीडियोस दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपका ये राइट साइड में रियल टाइम एक्टिविटी दिख रही है। अगर आप इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं तो नीचे ये सी मोर का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और नई विंडो ओपन होते हुए आप देख सकते हैं यह पे ये लास्ट 60 मिनट की एक्टिविटी चल रही है और ये 48 आवर्स की एक्टिविटी चल रही है।
नीचे ये दिखा रहा है कि कौन से वीडियो पे 60 मिनट में कितने व्यूज थे, 48 घंटे में कितने व्यूज में कितने व्यूज आ रहे थे। ये जो ऊपर बार बने हुए हैं इसके ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितने व्यूज आए हैं। अगर आप ये सारी डिटेल जो है वो अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर आप अभी देख सकते हैं कि एक कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया होगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें जो अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये आपको एक एक मिनट की डिटेल बता देगा यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको अपने चैनल के कमेंट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो आपको मैंने बोला है कि मोनेटाइजेशन, आपके चैनल के वॉच टाइम और सब्सक्राइबर देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे अदर फीचर्स में। अदर फीचर्स में जाने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे कि आपका टोटल वॉच टाइम कितना है चैनल का और यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। मोनेटाइजेशन के लिए आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए और आपका जो वॉच टाइम है वो मिनिमम 4000 घंटे होना चाहिए। उसके बाद YouTube आपके चैनल को रिव्यू करता है, तभी आप जो हैं वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कितनी इनकम हो रही है YouTube से या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी तक मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जिन नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।